हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। फ्रेंड्स, हर तरफ सुनने को मिल रहा है कोरियन 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 स्किन केयर, कोरियन मेकअप हैक्स, कोरियन मेकअप, हर तरफ सुनने को मिल रहा है। क्या कोरियन स्किन केयर, कोरियन मेकअप, मेकअप हैक्स, ये तीनों चीज़ क्या इंडियन स्किन टोन पे मैच करती है कि नहीं करती है, सुटेबल है कि नहीं है। और आज मैं ट्राई करने जा रही हूँ कोरियन स्किन केयर, कोरियन मेकअप, कोरियन हैक्स। तो तीनों का कॉम्बिनेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और फर्स्ट टाइम मैं ये ट्राई करने जा रही हूँ। और जो भी मैं आज मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करूँगी वो ऑफकोर्स इंडिया के हैं, क्योंकि कोरियन के मेकअप प्रोडक्ट्स तो भाई मैं तो नहीं ले पाऊँगी। तो उसी से मिलता जुलता जो है प्रोडक्ट है मेरे पास, जो भी है, जो वो यूज़ करते हैं, जो इन्ग्रीडियंट्स उनके में होते हैं, स्टेप बाय स्टेप से थोड़ा से मिलता जुलता है। तो ट्राई करते हैं क्या ये कोरियन मेकअप मेरा अच्छा आता है कि नहीं आता है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट करते हैं कोरियन स्किन केयर किस तरह से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं फॉलो करूँगी और आप सब लोग देखिएगा, इंजॉय कीजिएगा और बताइएगा। जो कोरियन स्किन केयर होता है उसमें जो होता है डबल क्लिनजिंग होती है। पहले वो लोग फेस वॉश करते हैं, फर्स्ट स्टेप होता है उनका फेस वॉश। तो फेस वॉश मैंने कर रखा है, आप देख सकते हो, और कुछ भी फेस पे अप्लाई नहीं किया है अभी तक। और सेकंड होता है उनका डबल क्लिनजिंग, तो वो लोग ऑयल बेस्ड क्लिनजर यूज़ करते हैं। ये है व्याम का कोकोनट ऑयल क्लिनजर, तो इसको यूज़ करते हैं। फोर फाइव ड्रॉप्स लिए हैं जैसे आपने देखा, तो अप्लाई करते हैं। Thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a place. तो कोरियन स्किन केयर में डबल क्लिनजिंग बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो आप देख सकते हैं फेस वॉश करने के बाद भी बहुत ज़्यादा डर्ट आई है, तो कैमरे में दिख रहा होगा। सोचिए इतनी डर्ट, सोचिए मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने फेस वॉश कर रखा था और क्लिंजर यूज़ किया, उसके बाद ये डर्ट आई है। हमारे दो स्टेप हो गए हैं, फेस वॉश और डबल क्लिंजिंग, तो दोनों हो चुके हैं। अब थर्ड स्टेप करते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब का ब्राइटनिंग राइस टोनर। तो जो कोरियन स्किन केयर में राइस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वो लोग राइस से राइस क्रीम यूज़ करते हैं, राइस सीरम यूज़ करते हैं, राइस टोनर यूज़ करते हैं। तो ये वो लोग बहुत ज़्यादा राइस यूज़ करते हैं अपने स्किन केयर में। तो अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम का ग्रेप सीड ऑयल। कोरियन स्किन केयर में फेशियल ऑयल या फेस ऑयल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, और ख़ास करके ग्रेप सीड ऑयल और राइस ऑयल ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो इसमें जो है 10 ऑयल्स का मिक्सचर है, तो ये मैं अप्लाई करने जा रही हूँ। तो 2 से 3 ड्रॉप्स इनफ है। तो अप्लाई करते हैं। फर्स्ट टाइम मैं जो है कोरियन स्किन केयर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने अप्लाई कर लिया बहुत अच्छी तरह से, और स्किन काफ़ी हाइड्रेटेड लग रही है, प्लस ग्लोई भी लग रही है। आप देख सकते हो शाइन देख सकते हो। तो अभी तक तो मेरा रिजल्ट एक्सपेरिमेंट्स अच्छा रहा है। तो अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं, कोरियन मेकअप। फ्रेंड्स, हो सकता है कि ये जो वीडियो है थोड़ा लेंथी हो जाए, क्योंकि स्किन के केयर के साथ साथ मैं मेकअप भी करूँगी और कोरियन हैक्स भी करूँगी, 3-in-1 का कॉम्बिनेशन मैं करूँगी। तो अगर थोड़ा सा लेंथी हो जाए तो उसके लिए सॉरी। तो ये हमारा स्किन केयर तो कंप्लीट हो गया है, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, हमारा मेकअप।
तो कोरियन मेकअप किस तरह से करते हैं चलो ट्राई करते हैं। कोरियन का मेकअप जो होता है बहुत ही शाइनी ग्लोई और ड्यूई मेकअप होता है, बहुत ज़्यादा ग्लो करने वाला मेकअप होता है। तो सबसे पहले मैं यूज़ करने जा रही हूँ लोटस की लिपस्टिक और शेड आप देख सकते हो ये है रेड है। तो पहले मैं इसको अपने चीक्स पे अप्लाई करूँगी। तो ये हैक है, फर्स्ट टाइम मैं भी कर रही हूँ, देखते हैं कि क्या होता है। ब्लेंड करते हैं। अभी मैंने कोई भी फाउंडेशन नहीं अप्लाई किया जैसे आपने देखा। तो काफी अच्छी तरह से ब्लेंड तो हो रहा है। तो नेक्स्ट मैं यूज करूंगी बीबी क्रीम, फाउंडेशन नहीं यूज करूंगी क्योंकि उनका थोड़ा सा स्किनी टाइप का मेकअप होता है, बहुत स्किनी होता है। तो ये अप्लाई करूंगी, ये ऐसे कोरियन मेकअप के लिए परफेक्ट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ अलग करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर थोड़ा से पिंकिश आ गया है क्योंकि मैंने लिपस्टिक अप्लाई की थी नोज पे और यहाँ पर ब्लशर। तो अब आप देख सकते हो कि मैंने जो है बीबी क्रीम अप्लाई की थी वो भी एकदम स्किनी टच वाली बीबी क्रीम थी, तो जिसे आप कह सकते हो नो मेकअप मेकअप वाली बीबी क्रीम थी। तो वो मैंने अप्लाई की है तो मेरे फेस पे बिल्कुल नेचुरल लुक लग रहा है, इस समय लग नहीं रहा है कि मैंने कुछ भी अप्लाई अदर किया है। तो ये हैक कोरियन लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैंने देखा है। मैं आपको दिखाना भूल गई थी, तो मैंने ये जो है प्राइमर यूज़ किया था मेकअप करने से पहले। प्राइमर यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, SQ का है। और मुझे पता ही नहीं चला कि कैमरा मेरा ऑफ है और मैंने अप्लाई कर लिया। जब मैंने अप्लाई कर लिया तो मुझे बाद में पता चला कि कैमरा ऑफ था, तो आप देख सकते हो। तो ये मैंने SQ का प्राइमर ऑयल बेस यूज़ किया था। तो करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप, तो फिल करते हैं अपनी आईब्रो को। उससे पहले हम लोग अपनी आईब्रो को अपर लिफ्ट कर लेंगे क्योंकि उनकी आईब्रो थोड़ी सी डार्क होती है और बहुत ज़्यादा अपर लिफ्टेड होती है। यूज़ करने जा रही हूँ मिस रोज का कंसीलर और अपनी आईलिड पे अप्लाई करूंगी। तो आगे के स्टेप्स करते हैं। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कॉन्टोर और कंसीलर पैलेट, बोथ यूज कर रही हूँ। तो थोड़ा सा उन लोग का फेस जो होता है स्लिम होता है, तो मैं कौन सा शेड अप्लाई करूँ, ये शेड अप्लाई कर लूँगी तो मेरे ख्याल से मेरी स्किन पे चला जाएगा। तो ये अप्लाई करती हूँ। शेडो अप्लाई करते हैं। ये मेरी लव इज स्वीट की आई शेडो पैलेट है और मैं ये रस्ट कलर और ये थोड़ा से पिंक है, तो दोनों को मिक्स करके मैं आई शेडो अप्लाई करूँगी थोड़ा से नेचुरल लुक लाने के लिए।
अप्लाई करते हैं L18 का आईलाइनर, बहुत थिन सा आईलाइनर मैं अप्लाई करूंगी। तो नेक्स्ट मैं यूज करने जा रही हूँ मैबलिन का हाइपर गर्ल का मस्कारा। तो अप्लाई करते हैं, तो आईलाइनर मैंने ऐसा अप्लाई किया है जो जिससे उनकी आईज थोड़ी सी लॉन्ग लगे, जैसे होती है उनकी, उस तरह से अप्लाई किया है। मस्कारा यूं करके लगाते हैं तो आपकी आई लैशेज जो हैं बहुत अच्छी आ जाती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं, कर्व भी आ जाता है। और आप देखते हो कोरियन की आई लैशेज ऐसे ही होती हैं जो वो लोग करते हैं। तो आप देख सकते हो दोनों तरफ मैंने अप्लाई कर लिया है। तो इस तरह से आप मस्कारा यूज़ करोगे तो आपकी आई लैशेज जो हैं बहुत अच्छी तरह से कर्व होंगी साइड से, आप देख सकते हो। मैं यूज़ कर रही हूँ रेड कलर की लोटस की लिपस्टिक और ये देखिए काफ़ी अच्छा रेड है और ये मेरी काफ़ी पुरानी लिपस्टिक है। तो अप्लाई करते हैं, देखिए मैंने कोई भी ब्लशर अब नहीं अप्लाई किया है। तो देखिए मेरा जो है मेकअप कंप्लीट हो गया है, जो आज मैंने टास्क लिया था कोरियन स्किन केयर, कोरियन जो क्या कहते हैं कोरियन मेकअप, तो पूरा मेकअप कंप्लीट हो गया है। और आप देख सकते हो कि ये इंडियन स्किन टोन पे मैच करता है, जाता है बहुत अच्छी तरह से। मुझे ऐसा लगता है मेरा स्किन जो है कितना ग्लोई हो गया, मैंने कोई भी हाइलाइटर अप्लाई नहीं किया है। और आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है फेस, प्लस मुझे अलग से ब्लशर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने पहले जो लिपस्टिक वाला हैक किया था उसकी वजह से जो है बहुत अच्छा जो है नेचुरल जिसे कहते हैं ब्लश का काम कर रहा है। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा। और मैंने बोल्ड रेड कलर की लिपस्टिक इसलिए यूज़ की है क्योंकि कोरियन जब भी मेकअप करते हैं तो मैंने देखा है उनकी बोल्ड रेड, बोल्ड मैरून या ऐसे ही रेड फैमिली से मिलती जुलती लिपस्टिक ज़्यादातर अप्लाई करते हैं, या वो चॉकलेट कलर की लिपस्टिक अप्लाई करते हैं। तो ये मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है, पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।